हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग साई कीर्ति ब्लॉग। आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप तंदुरुस्त होंगे, हस्त पुष्ट होंगे, खुश खुशहाल होंगे। चलिए, आज का दिन तो धूप छाँव वाला है, लेकिन मौसम बहुत ठंडा है। सुबह 8:30-9 बजे तक तो बारिश हो रही थी, उसके बाद से मौसम थोड़ा खुला है। रात भर कल बारिश हुई है। और एक बात और कहना था, कल का मेरा जो ब्लॉग था वो अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। पता नहीं क्यों मेरे फ़ोन में बार बार प्रॉब्लम आ रहा है, तो अभी आज ही कल का ब्लॉग भी अपलोड कर देंगे, क्योंकि रात भर हम ट्राई करते रहे। कम से कम 3 बजे तक तो हम ट्राई करते रहे, हो ही नहीं रहा था। कुछ प्रॉब्लम आ गया था मेरे फ़ोन के अंदर ही, तो सवेरे मेरे बेटा ने ठीक किया। और कुछ मतलब दब गया होगा, मैनुअल फंक्शन कुछ दब गया होगा, तो इस वजह से कुछ हो नहीं रहा था। तो अभी आज ही उसका कल का भी अपलोड कर देंगे। और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, मेरा किचन का काम निपट गया। मेरे हस्बैंड को नाश्ता पानी करवा के टिफ़िन देके उनको ऑफिस भेज दिए हैं। बेटा भी नाश्ता कर लिया है, वो जाएगा 12 बजे ट्यूशन, तो आएगा तब खाना खाएगा। तो उसके लिए दाल चावल बनाएंगे, दाल बना दिए हैं और चावल बनाएंगे। और मेरे को कल के जितने कपड़े थे सब फोल्ड कर दिए हैं, प्रेस वाले अलग कर दिए हैं, जो डेली रूटीन के पहनने वाले वो अलग कर दिए हैं। और अब हम चले, नाश्ता कर लिए थे हम, क्योंकि मेरे को सवेरे उठते ही भूख लग जाता है और नहीं खाएंगे ना तो फिर पेट में पेन होने लगता है। तो हमने बिहारी ठेकुआ तो आप लोग जानते होंगे, वो खाया हमने। प्रसाद में बहुत सारा आया हुआ था तो वो खाया, 2 पीस ठेकुआ खा लिए थे। तो अभी थोड़ा भूख शांत है, अभी हम जा रहे नहाएंगे फिर पूजा करेंगे। क्योंकि पहले हम पूजा करके ही कुछ खाते थे, लेकिन अभी शरीर पहले, तो पहले कुछ खाओ उसके बाद फिर नहाने के बाद तो शुद्धि हो ही जाता है शरीर का। तो फिर पूजा करेंगे, उसके बाद फिर 12 बजे तक खाना खाएंगे। आज मौसम कितना अच्छा लग रहा है, कल तो बाप रे एकदम काला काला बादल, पूरे दिन ऐसा था कि जैसे कि बादल छटे गए नहीं। रात को भी मतलब बादल गरज बरज के ही बरसा हो रहा था, मतलब गुजरात में सभी जगह हो रहा था। न्यूज़ में भी हम लोग ने देखा, गुजराती चैनल में हर जगह बारिश। चलिए कोई नहीं, चलिए हम जाते हैं नहा लें, नहा के फिर हम पूजा करें, उसके बाद फिर आगे का काम निपटाएंगे। कपड़े भी मशीन में डाल दिए हैं, कल तो पूरे दिन लाइट थी नहीं, रात को लाइट आई तभी कपड़ा धोया और अंदर सुखाया। और सवेरे भी लाइट चली गई थी 7:30 बजे से लाइट चली गई थी, आई है 9:45 बजे करीब। चलिए हम नहा लें फिर उसके बाद आगे का काम निपटाते हैं। सब अपनी अपनी जगह रखना बाकी है मेरे को कपड़ा। चलिए मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। देखिए आज का नज़ारा, बादल अब साफ तो हो गया है लेकिन धूप छाँव जैसा रहेगा। बारिश के आसार आज कम रहेंगे लेकिन धूप छाँव रहेगा। मन हुआ तो बरस भी जाए, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन एकदम वातावरण ठंडा है। मेरे प्लांट्स ने तो कल खूब पानी पिया, आंधी तूफान वाला पानी। पत्ते पीले पीले हो रहे हैं क्योंकि बीच में हम लोग बाहर थे तो पानी नहीं पड़ा ठीक से। चलिए हम जाए नहाए। चलिए हम नहा के पूजा पाठ करके फ्री हो गए। 12:15 हो रहा है, थोड़ा काम हो जाता है संभालना। तो अभी तो मेरा पूरा घर हचपच हुआ है, मैं सब जगह समेटना है सामान। हम अपने लिए बस ले लिए हैं खाना, थोड़ा सा चाय हम बना के एक्स्ट्रा रखे थे। सत्तू का पराठा कल बनाए थे ना, तो वही अभी खाएंगे। भिंडी की भुजिया भी थोड़ा सा बनाए थे तो वो भी खाएंगे। तो चाय गर्म कर रहे हैं, चाय गर्म करेंगे उसके साथ फिर पराठा और भुजिया खाएंगे। पराठा भुजिया और चाय, धनिया की चटनी भी है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को। मेरे को तो पराठा के साथ चाय ही बहुत अच्छा लगता है, तो वही। चलिए मेरा हो गया है, क्योंकि फिर जो सामान अलमारी में रखना है जो यूज़ नहीं हुआ है, जैसे जो कपड़े यूज़ नहीं हुए वो अलमारी में रखना है, प्रेस वाले कपड़े को उसका बांध के कपड़ा अलग रखना है। देखिए ये मेरा टेबल में सब अस्त व्यस्त है, वो ठीक करना है। करते करते करेंगे, और वैसे भी करते करते इसलिए करेंगे
क्योंकि कल मौसम ख़राब हो गया था, तो मौसम ख़राब होता है तो मेरा तबीयत बिगड़ता है, पूरे बॉडी में पेन हो रहा है। खाली मेरे को ही नहीं, मेरे हस्बैंड को भी ऐसा महसूस हो रहा है, तो ये तो होता ही है, नेचुरल है, मौसम बदलता है। तो चलिए हम खा लेते हैं, भूख लग जाता है मेरे को, क्योंकि सुबह का खाया हुआ था, दो ठेकुआ खाए थे, अभी भूख लग गया, तो चलिए खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। कपड़े मशीन में वॉश हो रहे हैं, बेटा भी अभी चला जाएगा ट्यूशन, 12 बजे ट्यूशन है, तो बस 5-10 मिनट में निकलेगा ट्यूशन, काम से थोड़ा नीचे गए, चलिए मिलते हैं खाने के बाद। देखिए मेरा पराठा, भिंडी की भुजिया और इसमें थोड़ी सी चाय, मन होगा तो थोड़ा सा टमाटो केचप ले लेंगे। चलिए हम ये खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चलिए मेरा कपड़ा सूख गया है और थोड़ा दो सूट मशीन में धुल रहे हैं, वो भी सूख जाएगा। आज वैसे भी धूप नहीं है, कड़क धूप छाँव है, बोला ही था ना आपको, देखिए अभी छाँव हो गया है, बादल आ गया है, फिर धूप आएगा, फिर बादल आएगा, अभी 2 दिन ऐसे ही रहने वाले हैं, रह रह के बारिश होगा। तो ये खिड़की, ये यहाँ पे प्रेस वाले कपड़े खोल कर रख दिए, ये वाइट कपड़े हैं, ये एक बार हैंड वॉश कर देंगे, उसके बाद फिर धोबी को दे देंगे धोने को, बेटा आएगा ट्यूशन से, तब तक आराम करते हैं। ये कपड़ा मेरे को हाथ से धोना है, तो साड़ी है उसको कल धोएंगे, लगभग सामान सब सेट कर दिया है। ये रूम भी सेट कर दिया है, सब हो गया है, ये मेरा मंदिर का रूम। किचन में भी बर्तन बाकी है, वो बाद में धोएंगे, यहाँ भी सब सेट कर दिए, अभी हम जा रहे हैं। बेटा कहीं भी मेरा कपड़ा उतार के चला जाता है, एक ही रूम में, एक ही रूम में। अभी वो जब तक आता है बेटा, उसका दाल चावल बना दिए हैं, वो आएगा तब खाएगा, फिर हम फिर रात को उसके लिए कुछ स्पेशल बनाना है तो उसकी तैयारी करेंगे। कपड़ा हो जाए, उसमें मशीन में हमको ये डालना है, फिर वॉश हो जाता है ना, जब ये लास्ट खंगालने का टाइम रहेगा ना, तो उसमें हम वो डालते हैं, कंफर्ट डालते हैं, जिससे कि सीलन के हिसाब से महकना है, क्योंकि अभी मौसम बादल वाला है तो महक आएगा, तो इसलिए हम डाल देते हैं। वापस में से मेरा मशीन से आवाज़ आने लगा, ठीक से बनाया नहीं, अभी वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा मशीन वाला, मैं तो परेशान हो गया, अभी इसको बेच के नया लेने का प्लान बना रहे हैं। चलिए कपड़ा सुखा दें, फिर आराम करते हैं, बस ये 2 ही ड्रेस बचा है, सुखा दें, उसके बाद फिर जब तक बेटा आता है तब तक आराम कर लेते हैं, फिर उठेंगे तो आएगा तो खाना वाना खिलाएंगे, फिर शाम का तैयारी करेंगे जो भी बनाना है मेरे को, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, मेरे को तो टाइम लगता है। चलिए मिलते हैं आपसे। देखिए हमने सब जगह दिया जलाया था, अभी दिया का ये ख़त्म भी हो रहा है, लो हम तो भूल ही गए सब, आज खाना जो बनाना उसका तैयारी में रह ही गया, ये चौखट वाला तो सब ये हो गया। चलिए कोई नहीं, हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। देखिए हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए आज हम बना रहे हैं पाव भाजी, तो हमने यहाँ पे भाजी बॉईल कर लिया है नमक डाल के, फ्लावर है मतलब फूल गोभी है, मटर है, आलू है, गाजर है, कैप्सिकम है, इसको नमक डाल के अच्छे से 5-6 सीटी में एकदम गला लिए हैं। अब इसको मैशर से मैश कर दिए हैं, अभी ये हो गया है इसका तैयारी। यहाँ पे पाव भाजी का तैयारी करेंगे, मतलब मसाला फ्राई करेंगे, तो ये उसके लिए हमने यहाँ पे मिर्ची, अदरक, लहसुन, प्याज का पेस्ट बना लिया है, यहाँ टमाटर प्यूरी बना लिया है, टमाटर का प्यूरी, और धनिया काट लिया है। अब चलिए इसको तैयारी करते हैं पाव भाजी का, उसके बाद एक चीज़ और बनाएंगे, उसका तैयारी करके रखा है वो बताएंगे, पहले पाव भाजी बनाते हैं हम। तेल डाल दिए हैं, अब इसमें थोड़ा सा बटर डाल देंगे, गरम हो गया है, अभी हींग तो मेरा पड़ता ही है हर खाने में, हींग तो इसलिए मैं डालते हैं, क्योंकि फूल गोभी है, आलू है, गैस नहीं करेगा,
हींग डाल दिए। अभी मेरा जो पेस्ट है डाल के थोड़ा सा उसको चलाएंगे। देखिए पेस्ट हो गया। अब इसमें टमाटर प्यूरे बाद में डालेंगे, पहले अब मसाला डालते हैं इसमें। इसमें हम अंदाजे पाव भाजी मसाला डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्दी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेड रेड बनाना है, पीला पीला नहीं बनाना है। इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे मसाला गले नहीं। देखिए तेल छोड़ दिया, फ्राई हो गया मसाला। अभी टमाटो प्यूरे डाल देंगे। अब यहाँ पे हल्का सा नमक डाल देंगे क्योंकि जल्दी टमाटर पक जाएगा और उसमें भी उबालते वक्त पानी में क्या बोलते हैं पाव भाजी जो उबाला है सब्जी सारा मिक्स वेजिटेबल उसमें भी नमक डाला है तो अंदाजे नमक डालेंगे कि नमक ज़्यादा ना हो। तो एक चम्मच अंदाजे डाल देना। अब इसको ढाँक के 1.5 मिनट तक पकने देंगे। इतना अच्छा हो गया मसाला पक गया, तेल छोड़ दिया। अब हम पाव भाजी डाल देंगे इसमें, जो मैशर से मैश किया है। तो पाव भाजी धीरे धीरे कितना अच्छा कलर आया है, थोड़ा सा इसमें ना कसूरी मेथी डालेंगे इससे स्वाद और अच्छा आएगा। और किचन किंग मसाला डालना भूल गए हैं, वो अभी डालेंगे बाद में। गरम मसाला डालेंगे, कसूरी मेथी, किचन किंग और एक चीज़ था क्या था हम भूल गए, रुकिए याद आएगा तुम बताते हैं। किचन किंग डाल दिए, अब इसको चला देंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा आँच में रख दिया है कि ऊपर रख जाए, फिर हाथ से क्रश करके डाल देंगे। किचन किंग डाल दिया, अब इसमें नींबू डालेंगे, आधा नींबू का रस डालेंगे और कसूरी मेथी डालेंगे। देखिए कितना अच्छा लाल लाल कलर आया है, थोड़ा सा और कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे जिससे रंग और भी भर जाएगा। अभी खोल आएगा ना, एक खोल में और कलर लाल हो जाएगा, अभी तो खोल उठा नहीं है, अभी इसको मिलने में टाइम लगेगा। धीमी आँच में इसको खदकना है, इसलिए फोड़ देंगे। कसूरी मेथी थोड़ा ये इसमें आँच लग जाए फिर इसको क्रश करके डालेंगे। और अभी आधा एक नींबू काट के डाल देते हैं। देखिए आधा नींबू काट के ऐसे डाल दे रहे हैं कि ऐसे उल्टा हम निचोड़ रहे हैं कि जो भी नींबू का रस होगा अलग हम निकाल रहे हैं, क्योंकि एक हाथ से फोन पकड़े एक हाथ से हम काम कर रहे हैं। निकल गया मेरा स्टाइल, नींबू का रस भी निकल गया और बीज भी अलग हो गया, क्योंकि बीज पेट में नहीं जाना चाहिए, बीज जाएगा तो फिर पेट दुखेगा। फिर मेरा इतना नींबू बहुत रस है इसमें, आधा मेरा सलाद में काम आएगा। चलिए अब यहाँ पे इसको मिला देते हैं और धीमे आँच में इसको ढक के खदकने देते हैं। सारा नमक मसाला सब एक साथ हो जाएगा। अभी थोड़ा ये लग रहा है ना, बाद में एक गाढ़ा भी हो जाएगा। चलिए इसका काम हो गया, इसको ढक देते हैं।
देखिए ये कढ़ाई में हम अब तवा पुलाव बनाने जा रहे हैं जो हम कढ़ाई में बनाएंगे। तो हमने तेल डाल दिया है, तेल के साथ में बटर डाल दिया है थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम ये हो जाता है गरम, तो उसमें क्या क्या डालने वाले वो दिखाते हैं। जब तक ये मेल्ट हो रहा है, ये प्याज काट लिया हमने बारीक बारीक, ना बारीक ना मोटा, मीडियम साइज़ का प्याज। और ये मिर्ची अदरक का कूट के बना लिया है, टमाटर ले लिए हैं, इसमें मटर गाजर कैप्सिकम आलू को ब्लांच कर लिया है गर्म पानी में नमक डाल के। और ये राइस बना के हमने रख लिया है, नमक डाल के राइस बना लिया है। तो अब देखिए अब हम बना रहे हैं तवा पुलाव। इसके लिए मसाले में किचन किंग चाहिए, पाव भाजी मसाला चाहिए, लाल मिर्च पाउडर चाहिए और नमक चाहिए, वो भी स्वाद अनुसार क्योंकि चावल में पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे ये हो गया है, अब इसमें प्याज डाल देते हैं। प्याज को थोड़ा सुनहरा होने देंगे, उसके बाद लहसुन मिर्ची अदरक का जो क्रश किया हुआ है वो डाल देंगे, अब इसको लाल होने देते हैं। इधर देखिए मेरा पाव भाजी तेल छोड़ दिया है, अब इसको स्लो कर देते हैं। और ये जो कसूरी मेथी है उसको ऐसे ऐसे हाथ से देखिए चूरमा होते जा रहा है करके ऐसे डाल देंगे। और गाढ़ा हो गया है पहले से, अब इसको थोड़ा सा बाद में, अभी इसको बंद कर देते हैं, हो गया लगभग। धनिया पत्ती डालेंगे और हल्का सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे थोड़ी देर बाद, अब इसको बंद कर देते हैं। ये मेरा रेडी है, ये प्याज देखिए मेरा हो गया सुनहरा लाल हो गया। अभी हम यहाँ पे मिर्ची अदरक वाला क्रश किया हुआ पेस्ट डालेंगे, आग स्लो रखेंगे। डेली की तरह अजवाइन राइस भी, सॉरी अजवाइन पानी भी तैयार हो गया, इसको बंद कर देते हैं। और ये ढक्कन से ढक, यहाँ ये फ्राई हो गया, अब भी इसी में टमाटर डाल देंगे, टमाटर को तलने देंगे थोड़ा सा, नमक डाल देंगे हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे, अंदाज भर डालेंगे। ये सब्जी ब्लांच करते वक्त भी नमक डाला था, चावल में भी बॉईल करते वक्त नमक डाला था, बाद में कम होगा तो डाल सकते हैं, ज़्यादा होगा तो नहीं डालेंगे, ज़्यादा होने पर अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा टमाटर गल जाए उतना भर नमक डालेंगे और उसको भी थोड़ा सा गलने के लिए रख देते हैं। टमाटर गल गया, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा कलर के लिए लाल मिर्च पाउडर, ये कलर वाला है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है वो डालेंगे। और स्वाद के लिए पाव भाजी मसाला, ये डालने से तवा पुलाव का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अपने अंदाज से दो चम्मच, छोटा दो चम्मच या बड़ा एक चम्मच डाल दीजिएगा। और इसको पकने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे कि मसाला जले नहीं, अच्छे से फ्राई हो जाए, थोड़ा इसको ढक देते हैं। कितना अच्छा कलर आया था। अभी ये जो बॉइल्ड सब्जी है
ब्लांच किया हुआ ये इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा 5-10 मिनट इसको फ्राई करके फिर ये जो चावल है ये इसमें डालेंगे। देखिए चावल डाल दिए, मसाला फ्राई हो गया अच्छे से। अब इसको धीमा आंच कर दिए हैं और अच्छे से मिक्स करते हैं चावल। पनीर भी डालते हैं बट हम पनीर नहीं डालें, पनीर भी पड़ता है, बिना पनीर के बाकी सब चीज़ पड़ा है। ये है तवा, बड़ा बड़ा तवा में बनता है तो तवा पुलाव, मेरा कढ़ाई पुलाव। अच्छे से इसको मिक्स करते हैं फिर ऊपर से धनिया से गार्निश करेंगे और ये मेरा कंप्लीट। बाद नमक चख लेंगे, नमक कम होगा तो हल्का सा डाल देंगे। चलिए हम इसको मिलाते हैं। देखिए मेरा तवा पुलाव रेडी। अब इसमें हल्का सा नमक कम था तो हमने डाल दिया, अब इसमें धनिया से गार्निश कर लेते हैं। धनिया से गार्निश कर दिया, थोड़ा मिला देते हैं और हमारा खाने को रेडी। अब बस ये भी रेडी हो गया है, पाव भाजी भी रेडी हो गया है। इसमें भी गरम मसाला डाल दिया, धनिया डाल देते हैं, मिला देते हैं, एक बराबर हो गया है। चलिए मेरा ये दोनों रेडी, अब ब्रेड रेडी करेंगे। देखिए मेरा टमाटर और प्याज धनिया नींबू का सलाद तैयार है। बस जब खाने बैठेंगे तब चाट मसाला और नमक डालेंगे, अभी डालेंगे तो फिर पानी छोड़ देगा। बस चलिए ब्रेड का तैयारी करते हैं। देखिए इसमें बटर और धनिया काट के और पाव भाजी मसाला मेल्ट करके इसमें ब्रेड में ऐसे स्प्रेड करके इसको तवे पे सेक रहे हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, ये मेरा ब्रेड रेडी। अब हम रोस्टेड पापड़ करेंगे, सब रेडी, अब हम लोग खाने जा रहे हैं। चलिए खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं, कैसा बना है आपको बताएंगे। देखिए मेरा थाली रेडी, ब्रेड पापड़ सलाद भाजी और तवा पुलाव। चलिए हम खाते हैं फिर आपको बताते हैं कैसा बना है। चलिए फ्रेंड हम तो चेंज कर लिए, खाना हो गया, बर्तन वर्तन सब साफ करें, किचन साफ करें, और बहुत ही अच्छा बना था। कभी कभी अच्छा बन जाता है मेरे से, टेस्टी बना था, अच्छा बना था, हमको बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। कभी कभी लकीली अच्छा बन जाता है तो अच्छा लग जाता है। वैसे हमको किचन में उतना मन नहीं लगता लेकिन बन जाता है तो खा लेते। सच में बहुत अच्छा बना था, चलो बढ़िया है। चलिए अब हम जा रहे हैं, बहुत नींद आ रहा है और कल से बेटा का स्कूल खुल जाएगा, तो स्कूल खुल जाएगा तो हमको जल्दी उठना पड़ेगा, उसके बाद भले सो जाएंगे घंटा उसको भेज के। चलिए ये ब्लॉग हम यहीं करते हैं। देखिए धोबी आया नहीं, कपड़ा वैसे का वैसे रखा हुआ है, वो एक्चुअली से हमको उसको कॉल करना था, हम कॉल ही नहीं किए तो वो आया ही नहीं, अब कल कॉल करेंगे तो फिर वो आएगा। चलिए ये ब्लॉग हम यहीं करते हैं और आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। जो भी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मुझे अच्छे से कमेंट्स करें। और एक बात, कल जो अपलोड नहीं हो पाया था, मेरा फ़ोन कुछ प्रॉब्लम हो गया था, बीच बीच में ऐसे ही हो रहा है, फ़ोन मेरा अपलोड नहीं कर पा रहा है, कुछ कोई हैंग हो गया था, कुछ हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था, जो भी था मेरे बेटे ने ठीक कर दिया और शायद स्टोरेज भी बहुत फुल हो गया था तो वो भी क्लीन किया बेटा। तो वो वाला कल वाला ब्लॉग भी हम आज ही डालेंगे और आज वाला भी अपलोड करेंगे, तो इसके लिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मेरा हमेशा ऐसा, मतलब दो बार से, दो या तीन बार से ऐसा गड़बड़ हो जा रहा है, बट कोई नहीं। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। कल मॉर्निंग में आपको विश करते गुड मॉर्निंग, चलिए बाय, गुड नाइट।